खरगोन पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने निकले एक युवक और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपितों के पास से 29 देसी पिस्टल और कट्टे जब्त किए हैं। पकड़ी गई पिस्टल और देसी कट्टों की कीमत 5,50,000 रुपए बताई जा रही है। एसपी धर्मवीर सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बहरामपुर फाटा शिव मंदिर के पास खंडवा खरगोन रोड पर घेराबंदी की। यहां टीम ने छिपकर देखा तो दो सिकलीगर लड़के शिव मंदिर में खड़े लाइट के नीचे पेड़ी पर बैठे दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने उन्हें भागने से पहले धर दबोचा। पकड़े गए युवक ने अपना नाम उपकार सिंह वीरपाल सिंह सिकलीगर निवासी सिग्नूर बताया, जबकि उसके साथ एक नाबालिग बालक था। इनके पास मिले बैग की तलाशी लेने पर 23 नग देशी पिस्टल जिसकी कीमत 4,50,000 रुपए और 6 देसी कट्टे जिसकी अनुमानित कीमत 90,000 रुपए की बरामद हुई। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। देखिए, आगामी इलेक्शंस को देखते हुए लगातार इलीगल फायर आर्म्स के अगेंस्ट में कार्रवाई की जा रही है। ये ऑपरेशन सिकंजा के तहत एडिशनल एसपी सिटी और उनकी पूरी टीम लगातार जो इस प्रकार के आरोपियों की ट्रैकिंग कर रहे हैं। कल लेट नाइट इन्फॉर्मेशन मिली थी थाना प्रभारी गोगामा को कि इस प्रकार के स्मगलर हैं जो कि न केवल बनाते हैं इलीगल आर्म्स बल्कि उनको कलेक्ट करके सप्लाई भी करते हैं। उनके मूवमेंट की जानकारी थी और जानकारी के आधार पर लेट नाइट रेड की गई और रेड के दौरान इसमें दो आरोपी अरेस्ट हुए हैं। एक उपकार सिंह है जो कि काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था, दूसरा उसका साथी है जो कि माइनर है। इनके पजेशन से 29 इलीगल फायर आर्म्स जब्त हुए हैं और इनको पुलिस रिमांड लेके बाकी इनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लगातार खरगोन पुलिस 2023 में कुल 78 इस प्रकार की रेड्स की गई हैं। 78 आरोपियों से 304 इलीगल फायर आर्म्स अभी तक जब्त किए गए हैं। इनके जो हाइड आउट्स हैं और इनकी जो फैक्ट्रियां हैं उनसे बड़ा मात्रा में हथियार बनाने का सामान भी सीज किया गया है। इसके अलावा जो रासुका की कार्रवाई है वो भी विगत दिनों एक स्मगलर के खिलाफ की गई थी, अजय सिंह के खिलाफ। माननीय एडवाइजरी बोर्ड ने भी उसको कन्फर्म किया है। इस प्रकार न केवल फायर आर्म्स की जो क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है बल्कि उनके अगेंस्ट में सख्त से सख्त। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।